नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल न्यूज अपडेट पर। आज की वीडियो में बात करेंगे नर्स की वैकेंसीज के बारे में, स्टाफ नर्स की वैकेंसीज के बारे में। जो भी कैंडिडेट मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि हम आने वाला कोई भी नोटिफिकेशन आपके लिए मिस ना हो और हम आपके लिए ऐसे नए नए नोटिफिकेशन आपके लिए लाते रहें जब भी कोई अपडेट आएगा। तो दोस्तों आज की वैकेंसी में बात करेंगे। आज की वैकेंसी आई है PGI चंडीगढ़ की तरफ से, रिक्रूटमेंट है। तो मैं इसी के लिए आपको, हमने गूगल पे सर्च कर लिया है PGI चंडीगढ़ रिक्रूटमेंट, ये वेबसाइट आ गई है। तो हम वेबसाइट पे वैकेंसी भी वाले ऑप्शन में आपको लेके चलता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों अभी ये वैकेंसी वाला पेज ओपन हो चुके हैं। आप यहाँ पे देखोगे 15 अक्टूबर 2022 का अपडेट है। एप्लीकेशन आर इन्वाइट किए गए हैं फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर नर्स की वैकेंसी है, फॉर द प्रोजेक्ट इन द पोस्ट ऑफ हेप्टोलॉजी में डिपार्टमेंट में है। हम एक बार इसको ओपन करके देख लेते हैं पूरी वैकेंसी का नोटिफिकेशन क्या है। तो यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं फॉर मोर डिटेल के लिए, और यहाँ पे आप देखोगे ये जो वैकेंसी है जूनियर नर्स की वैकेंसी है, 15 अक्टूबर का लेटेस्ट अपडेट है। पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन रिसर्च चंडीगढ़ में, डिपार्टमेंट हेप्टोलॉजी। एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर नर्स की है। नेम एंड एड्रेस ऑफ द एम्प्लॉयर डॉक्टर मधुमेह प्रेम कुमार सीट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हेप्टोलॉजी PGI चंडीगढ़, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो जूनियर नर्स का काम होगा, ठीक है, टाइप ऑफ वर्क पर, नेम ऑफ द प्रोजेक्ट आपका A Phase 3 प्रोस्पेक्टिव मल्टी सेंटर क्लिनिकल स्टडी इन द मैनेजमेंट ऑफ प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड कोलेस्टेसिस टू एवलेट द एफिकेसी एंड सेफ्टी ऑफ एसिड टेबलेट्स, ये आप देख लीजिएगा। और इसमें क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है, इसमें BSc नर्सिंग और GNM कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं, और डिजायरेबल MSc नर्सिंग भी रहता है। यहाँ पे एज लिमिट 35 साल से कम होनी चाहिए। नंबर ऑफ वैकेंसी 1 वैकेंसी है दोस्तों, रेगुलर वैकेंसी नहीं है, ये टेम्परेरी वैकेंसी है। इसमें पे एंड अलाउंस जो भी आपका अलाउंस पे रहेगी वो आपके एज पर रोल्स के हिसाब से रहेगी। आपका पोस्टिंग कहाँ पे होगी, डिपार्टमेंट ऑफ हेप्टोलॉजी में PGI चंडीगढ़ में पोस्टिंग होगी। प्रोबेबल डेट भी बाय विच वैकेंसी विल बी ज्वाइन, और इसको दोस्तों इमीडिएटली ज्वाइन करना है। पर्टिकुलर रिगार्डिंग इंटरव्यू टेस्ट ऑफ एप्लीकेंट, लास्ट डेट ऑफ सेंडिंग बायोडाटा 18 अक्टूबर 2022 तक इसकी लास्ट डेट बायोडाटा भेजने की। जो इंटरव्यू होगा आपका, प्लेस ऑफ इंटरव्यू रूम नंबर 55 डिपार्टमेंट ऑफ हेप्टोलॉजी नेहरू हॉस्पिटल एक्सटेंशन ब्लॉक और PGI चंडीगढ़ में होगा। रूम नंबर 55 डिपार्टमेंट ऑफ हेप्टोलॉजी नेहरू हॉस्पिटल एक्सटेंशन ब्लॉक, ठीक है। तो आपको डेजिनेशन एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन टू विच द एप्लीकेंट रिपोर्ट आपको यहाँ पर रिपोर्ट करना है इंटरव्यू के लिए, जब भी आपका इंटरव्यू होगा जब भी बुलाएंगे। डॉक्टर मधुमिता प्रेम कुमार असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हेप्टोलॉजी नेहरू हॉस्पिटल एक्सटेंशन ब्लॉक PGI चंडीगढ़ में। तो दोस्तों ये ऐसे अप्लाई करना है, जो भी कैंडिडेट है वो अपना बायोडाटा, जो भी इंडस्ट्री कैंडिडेट है, इंडस्ट्री कैंडिडेट शुड मेल ए कॉपी ऑफ बायोडाटा ओनली थ्रू बाय ईमेल भेजना आपको heptology@gmail.com। ये ईमेल एड्रेस आप अच्छी तरह से रीड कर लीजिएगा, बाय 18 अक्टूबर तक भेजना है, ठीक है। कैंडिडेट शुड ईमेल स्काइप आईडी मीटिंग आईडी विद द रिज्यूम, आपको अपना स्काइप आईडी भेजनी है, मीटिंग आईडी भेजनी है विद द रिज्यूम जो आप बायोडाटा भेजोगे। द टाइटल ऑफ द रिज्यूम आपको फाइल फिल शुड हैव द सेम, आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए। आपका जो टाइटल बनाओगे फाइल का वो अपना नाम रखिएगा। डिपेंड नंबर ऑफ एप्लीकेंट, 5 वैकेंसी विल बी शॉर्टलिस्टेड बेस्ड ऑन द 5 कैंडिडेट्स को यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और उनको ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। द डेट एंड टाइम इंटरव्यू विल बी फाउंड बाय मेल के द्वारा आपको अपडेट कर दी जाएगी। ऑल द कम्युनिकेशन विल बी डन थ्रू मेल। तो दोस्तों आप ये नोटिफिकेशन अच्छी तरह से अप्लाई पढ़ लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।